नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी गौलापुर के ठीक नीचे मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो वैकल्पिक मार्ग है काफ़ी लंबे समय से यहां पे बनाया जा रहा था। हालांकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, ऐसे में काम अटका हुआ था, लटका हुआ था और काफ़ी समय इसको बनने में लग रहा था। लेकिन आखिरकार अब जो वैकल्पिक मार्ग है गौलापार के लोगों के लिए उनको राहत देने के लिए बन गया है। और बता दूं, इस मार्ग से गौलापार, सितारगंज, चोरगले जाने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी। एक तो समय उनका बचेगा, किराया उनका बचेगा। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ से जो वाहन है, दो पहिया वाहन है, यहाँ से गुजर रहे हैं। पीछे तस्वीरें दिखाई, लगातार गाड़ियों का आना यहाँ पे लगातार जारी है। कतारें यहाँ पे गाड़ियों की लगी हुई है। ऐसे में खतरा भी कहीं ना कहीं इसलिए इसमें बना हुआ है। आप तस्वीरें यदि वहाँ देखेंगे तो कितने फ्लो के साथ जो पानी है वो बह रहा है, आपको टकराता हुआ पानी नजर आएगा। ऐसे में आप फ्लो का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे स्थानीय मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या लगता है इससे राहत मिलेगी, खतरा क्या है और कब से ये खुला, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नारायण आर मारिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव के रहने वाले हैं। गाँव कहाँ? गाँव मेरा गाँव बागजला है। बागजला है। कितनी राहत मिलेगी इस वैकल्पिक मार्ग से? इससे बहुत राहत मिल जाएगी हम लोगों को। बहुत लंबा जाना पड़ता था, टाइम नहीं था हमारे पास, समय नहीं था, पैसे भी नहीं हमारे पास। जो रास्ता बन गया हमारे लिए सही बन गया है, बहुत बढ़िया बन गया है। आने जाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। हम पैदल भी आ सकते हैं, अपने वाहनों भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। टाइम टेबल, रात दिन, जिसमें हमें टाइम होता है, हमें सहूलत है। यहाँ से ये पुल बनने से सहूलत है हम गाँव वालों को। कब से खुला है ये? आज से खुला है, सुबह से ही। कल शाम से आने जाना कर रहे थे लोग, अभी सुबह से पूरा खुल गया है। बिंदास खुला हुआ है। बिंदास, वाकई में बिंदास खुला हुआ। काफ़ी संख्या में यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है। फ्लो अच्छा खासा पानी का है, कुछ हिस्सा बहा भी है इसका कल शाम, इस पुल का, वैकल्पिक मार्ग का। क्या लगता है खतरा है थोड़ा बहुत इसमें? ऐसे में अब पानी देख कर तो खतरा ही है, पानी में तो खतरा ही है। जब खतरा था तभी तो पुल में नुकसान हुआ हमारा, तो इसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि खतरा था। अभी तो फिलहाल पानी कम हो जाता है, बारिश कम हो गई है, खतरा फिलहाल नहीं होगा। अब मजबूती कर रहे हैं, चल रहे हैं, जेसीबी चल रहे हैं, हमारे गाड़ियाँ लगे पड़े हैं, उसकी मरम्मत कर रहे हैं। जहाँ पर खतरे के कोई निशान दिख रहे हैं तो वहाँ पर कोई मिट्टी भरान, कोई कट्टा भरान, कोई पत्थर डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम में सूखा रहेगा तो पानी कम हो जाएगा। क्या क्या आपको लाभ? एक तो आपका किराया बच गया, समय बच गया, टाइम, किराया, समय, हमारा सब कुछ बच गया इसमें। हमारा छोटा बच्चा भी आज जा सकता है, हमारे जो भी मेहता माल हैं वो भी आज जा सकते हैं। तो इसलिए हमको इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है जो रोड बनने से। चलिए, जिस प्रकार से हमने तमाम बातचीत सुनी व्यक्ति की, हालांकि अच्छी खासी संख्या में यहाँ से वाहन जा रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ से वाहन जा रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी, कारूदाम से घूम के जाना पड़ रहा होगा। ऐसे में फ़िलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और इसके संबंध में हम रिपोर्ट भी लगातार आपके सामने लाते रहे हैं। जब काम अटका है, मौसम ने जब साथ नहीं दिया है, तब भी हम आपके पास रिपोर्ट लेके आए थे। फिलहाल यहाँ पर सुचारू रूप से यातायात है वो सुचारू कर दिया गया है। बहरहाल कुछ और लोगों से बातचीत करने की करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो इस पर वैकल्पिक मार्ग को पर्याप्त मानते हैं या केवल एक टेम्परेरी ये इलाज है? क्योंकि जिस प्रकार से पानी का फ्लो है, यदि पानी का फ्लो बढ़ता है तो ये मार्ग बह भी सकता है, ऐसे भी आसार हैं। हर स्थिति के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ देखो सख्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कैसी राहत है, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कब क्या देख रहे हैं इस मार्ग को लेकर वो। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। शब्बू नाम है। इस साइड को आ जाइए पहले। जिस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग है वो खोल दिया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं, राहत कितनी मिली है? हम यहीं के सामने 17 नंबर के रहने वाले हैं। राहत तो बहुत मिली है। आप में गोलापार वालों को परेशानी बहुत हो रही थी, परेशानी का दिक्कत करना पड़ गया था। आप हल्द्वानी? आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं। अच्छा, अब जो है गोलापार वालों को थोड़ी राहत मिल गई है। यहाँ कहाँ आए हुए थे आप? यहाँ तो हम ऐसे घूमने आते हैं, गोला का काम करते हैं, गोला का काम करते हैं, गोला में ही रहते हैं हम। अच्छा, जिस प्रकार से पानी का फ्लो अच्छा खासा है, फ्लो देख सकते हैं, खतरा वगैरह मानते हैं कि खतरा वगैरह भी है? मैडम जब भी हो सकता है खतरा, जब थोड़ा पानी हवर होगा, दोपहर के टाइम में ब्रास खोल देते हैं ना, वो थोड़ा सब सफाई करने के लिए, उस चक्कर में पानी आ जाता है, दोपहर को बढ़ जाता है। वैसा पानी की संभावना कमी है, बारिश का कोई पता भी नहीं है। ये बारिश बता रही है, अब तो मानसून विदा लेने वाले की कगार में है कहीं ना कहीं है। तो हाँ, फिर भी ऊपर वाले की मर्जी हो तो कोई क्या चार्ज, कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से बातें बता रहे हैं कि राहत है। तस्वीरें आप फ्लो की देख सकते हैं। जिस प्रकार से मैं बातें बता रही हूँ कि बीती शाम को इस थोड़ा सा जो वैकल्पिक मार्ग का थोड़ा हिस्सा है वो बहा था, उसमें वन विभाग की टीम लगातार, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी ओर से कार्य किया जा रहा है। किसी प्रकार का वो निशान देखते हैं कि कोई बहाव हुआ है या किसी प्रकार का कटाव हुआ है तो तुरंत उसको दुरुस्त करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ से वाहन जा रहे हैं। किसी की जान को खतरा ना हो, इसको लेकर पूरा जो प्रशासन है वो अलर्ट में है। जिस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग खोला गया है, कुछ राहत वगैरह मिली है? तो सही है, वैसे तो सही है, खोला गया है, अच्छा करा है। मगर अब जल्दी टाइम पर नहीं मिलता, वक्त पर कुछ नहीं मिलता, परेशानी है। अब जा रहा है दवाई लेने, 1 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। ऊपर से पहले काठगोदाम से घूम के जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट जाना पड़ रहा है, तो थोड़ी तो राहत होगी। थोड़ी राहत है, उधर से पैसे ज्यादा लग रहे थे, अब इधर को टाइम को नहीं मिल रहा। हम तो आज ही आए, पहली दफा कम मिल रहे हैं। आज पहला दिन है, क्या पता धीरे धीरे करके टेम्पो चलाएगा, हो जाएगा। राहत तो मान रही होंगी इसको? राहत तो मान ही रहा है। खतरा तो नहीं है, इतना पानी का फ्लो है? नहीं, तो खतरा तो नहीं है। सर नाम बताइए अपना। सलीम अहमद। जिस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग से आपका ऑटो है, आप ऑटो लेके जा रहे हैं, तो छोटे वाहनों के लिए खोला गया था? छोटे वाहन में तो ऑल्टो भी आता ही है, मोटरसाइकिल ऑल्टो तो आती है। दो पहिया वाहन तो फिर निकलेगा तो ऑल्टो वालों को, कार वालों को वहीं से ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे कार भी यहाँ से जा रही है। बहरहाल इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। कितनी राहत मिल रही है? नहीं, आराम तो मिल जाएगा, फायदा ये इधर से जाने आने में। पहली दफा जा रहे, इससे पहले भी गए? नहीं, मैं पहली बार ही आया। आज पहली दफा जा रहे हैं। काठगोदाम से कितना घूम के जाना पड़ता है? 32 किलोमीटर का रन पड़ रहा, घर का आने का और जाने का। और यहाँ से पड़ेगा 4 किलोमीटर। ये सामने ही बनबुलपुरा जाते ही सारे काम हो जाते हैं। राहत तो हाँ, राहत है यहाँ से जाने आने में। तो इस प्रकार से इससे पहले हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, सभी का कहना है कि राहत मिली। एक और व्यक्ति हमें मिले हैं, बता दूं बात करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यातायात है वो लगातार सुचारू है, लोगों को काम पे जाना है, इसलिए हम नदी से हट के बातचीत कर रहे हैं ताकि उनको भी विघ्न ना आए। काम भी चल रहा है नदी में, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित स्थान में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कहाँ से आए, पहले नाम बताइए। जी, असलम साबरी मेरा नाम। कहाँ से आए? जी, कितवाई नगर, वार्ड नंबर 24 से। कहाँ को जा रहे हैं? जी, गोलापार जा रहे हैं काम के लिए। जी, इस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग खोला गया है, राहत मिल रही है इससे? जी बिल्कुल, राहत मिल रही है। जी जी। इस प्रकार से कल पुल का एक थोड़ा सा हिस्सा बह गया था वैकल्पिक मार्ग का, तो खतरा बना हुआ है? पानी का फ्लो अच्छा खासा है? थोड़ा सा खतरा था। जी, जी। आज पहली बार गए कि कल भी गए थे? आप पहली बार जा रहा हूँ मैं यहाँ से, पहली बार जा रहा हूँ। मौसम बेहद खराब अभी बना हुआ है, यदि बारिश हो जाती है तो पुल बहने के भी चांसेस है, ऐसे में क्या लगता है? अब बिल्कुल खतरा ही है, थोड़ा बहुत खतरा। चलिए, जिस प्रकार से आपने बातचीत सुनी है, बता दूं वाकई में मौसम अभी ख़राब है। अब आप चले जाइए जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मौसम अभी भी ख़राब है और व्यक्ति को रोक के हमने बातचीत की है क्योंकि लगातार यहाँ से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी काम के लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग बातचीत करने को सहज हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल वाकई में खतरा इसलिए मैं बार बार ये मैंशन कर रही हूँ क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। मौसम भी आप यदि आसमान में देखेंगे तो इस प्रकार से मौसम भी बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मानसून के विदा होने का समय आ गया है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो मानसून है वो यहाँ से चला जाएगा, विदा उत्तराखंड से ले लेगा। बहरहाल वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज 1 अक्टूबर ही है, ऐसे में अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं कि वाकई में राहत है या खतरा है। जिस प्रकार से वैकल्पिक मार्ग खुला है, काफ़ी संख्या में यहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं। एक व्यक्ति हैं, आलू घर की सब्जी वगैरह लेके आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं राहत इसको मान रहे हैं? वैकल्पिक मार्ग खुला है, राहत मान रहे हैं इसको? हाँ जी, राहत है, राहत है। जिस प्रकार से पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और कल एक हिस्सा भी उसका बहा था, हालांकि उसको अभी सही कर दिया गया है। खतरा बना हुआ है ऐसे में गुजरने से? खतरा तो है, अगर पहाड़ में बारिश हो जाएगी तो फिर ये बह सकता है, लेकिन बहेगा नहीं। कल इसका थोड़ा सा हिस्सा बहा है, बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद हिस्सा बह गया। ये गलत बात है। बैराज से नहीं छोड़ा गया, कुछ दिक्कतें वैसी हो सकती हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कि बैराज से छोड़ा गया था तो थोड़ा हिस्सा बह गया था। बहरहाल अभी तो सही कर दिया गया है। मौसम में भी बिगड़ा हुआ है, यदि बारिश हो जाती है ऐसे में क्या आसार है? आसार कुछ नहीं, ये रास्ता बंद नहीं होगा। क्यों बड़ी राहत मिल रही होगी इसे? घूम के जाना पड़ रहा था काठगोदाम, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ दिक्कत तो होती है। आप बताइए, नाम बताइए अपना। में कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, गोलापुर खेड़ा। गोलापुर। पहले काठगोदाम से होके जाना पड़ रहा था, पेट्रोल भी ज्यादा लग रहा था, समय भी ज्यादा लग रहा था, जाम भी लग रहा था। वैकल्पिक मार्ग खोल दिया गया, कितनी राहत मान रहे हैं? फिर भी राहत बहुत है। फिलहाल जो भी है, फिलहाल वैसे पूरा सिस्टम तो नहीं कह सकते हैं, ये कंफ्यूजन में है फिलहाल तो। अभी कंफ्यूजन में है। किस बात का कंफ्यूजन है? अभी इसमें बढ़ जाएगा तो कुछ लग जाएगा, उसमें कुछ घास घूस बढ़ के आ जाए, पत्थर आ जाए तो बह जाएगा, ढह जाएगा। मतलब टेम्परेरी के लिए सही है, नहीं तो गोलापुर जल्द से सही करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा ध्यान जनता का यहाँ चले जाए और ऊपर का काम ठप हो जाए। उसमें उस मैटर में भी बोलनी चाहिए। मैं बोलूँगा, मैं यूथ कांग्रेस, पहले पूर्व जिला सचिव रहा यूथ कांग्रेस का। अच्छा, बताइए। माननीय दीपक ग्लुटिया मेरे अध्यक्ष रहे उसमें। बताइए। मैं चाहता हूँ कि इसमें तुरंत ही काम कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पार्टी चाहे तो। ये करना नहीं चाहते, बीजेपी के लोग काम नहीं करना चाहते। ये काम किसने किया? टाल मटोली और इसमें पैसा। ये काम किसने किया? बीजेपी के लोगों ने किया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बताइए। मैं ये टेम्परेरी ये सब टेम्परेरी है भाई साहब। गोला बढ़ गई, पर फिर 2-4 दिन बारिश हो बढ़ेगी, गोला आएगी फिर बढ़ेगी, वो तो उसका तो काम ही है। लेकिन फिलहाल ये टेम्परेरी मार्ग जो है जितने दिन के लिए हमारी ये पुल बनने की उसमें है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है। क्योंकि गौलापार के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपा था, लगातार मांग की जाती है वैकल्पिक रास्ता खोला जाए, क्योंकि इसमें टालन टोली नहीं हो सकती, काफ़ी समय लगेगा काम करने में। गौलापुर मजबूत बनना चाहिए, जब भी बनता है। गौलापुर तो मजबूत है फिलहाल, लेकिन जो वैकल्पिक रास्ता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिलहाल, क्योंकि आप बारिश तो होने के इतने आसार नहीं है, अब तो मानसून विदा लेने की कगार में है, मतलब फिलहाल वैकल्पिक रास्ता खुल गया है, फिलहाल शांति है, पेट्रोल भी बच गया, पैसा भी बच गया, समय भी सब चलता है, ये तो चलता है। क्यों चलिए देखिए, जिस प्रकार से आपने तमाम बातचीत सुनी है, थैंक यू, जिस प्रकार से तमाम आपने बातचीत सुनी है, और बता दूं कि लोगों को काफ़ी राहत इसमें नज़र आ रही है, हालांकि फुल राहत व्यक्ति लगातार कहेगी फुल राहत है, ऐसे में हाँ बताइए। क्विक में कार्य करनी चाहिए ना, इधर अभी जब आदमी कहीं आर्मी जब करती है सब काम करती है ना, काम नहीं कर रही है क्या? इससे पूरा यहाँ लगातार काम जारी तो है, और उत्तराखंड से पूरा बॉर्डर मिलता है, चंपावत से लेके कांग्रेस से मतलब करते रहेंगे। ये कांग्रेस के लोग हैं, काम नहीं दिख रहा है इनको। वहाँ देखो उतनी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, उतना जेसीबी लगी पड़ी हैं, क्या वहाँ देखो छेदन ओपन योर आइस, अच्छा उससे क्या मतलब है? चलिए कोई बात नहीं, अभी तो राहत है ना आप लोगों को, अभी राहत है। भाजपा कांग्रेस मत करिए इसे, ये कांग्रेस ही है, मैं भाजपा ही हूँ, लेकिन अच्छा। हम दोनों भाई हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी हाँ ठीक हो रहा है, शांति है, कुल मिलाकर शांति रहेगी, शांति होनी चाहिए, वो शांति होगी, हमारे यहाँ वो नहीं होता है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद समझने के लिए, आपने गाड़ी रोक के बातचीत की। मैं भी पीटी पलड़िया, मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, ये कांग्रेस की कार्य, लेकिन मैं क्यों साहब को ये बदनाम करने के लिए सब प्रबोध भी कर सकते हैं, ये चलो चलेगा। क्यों भाजपा कांग्रेस हो गई यहाँ पे? ये हमारे नेताजी आके ना, हाँ जी, दो नेताजी मिले आज हमें गौलापार के। ये क्या करवा रही हो आप? ये पुल का हमारा तो पूरा रास्ता बंद हो गया। हाँ जी, रास्ता बंद हो गया, काटदाम जी आना पड़ रहा अभी तो। ये पुल तो क्या है सर, इसमें भी दिक्कत आ रही है, इसको मोटरसाइकिल जा नहीं पा रही, सिर्फ अभी ट्रैक्टर लेके आया वापस हो गया। 500 रुपये दे रहे कांग्रेस ही तुमको, लाइए और सर देखिए, और हमें बीजेपी चाहिए बस, बीजेपी चाहिए हमें। अभी तो पुल की बात कर रहे हैं, अभी कहाँ से कांग्रेस बीजेपी हो गया? अभी तो पुल चाहिए। हाँ पुल मिल गया ना? हाँ जी, राहत है। कहाँ राहत है, काटदाम जाना पड़ा, अभी ट्रैक्टर वापिस हो गया सर। अब छोटे वाहनों के लिए खुला है, अच्छा। बड़ा वाहन यहाँ से जाएगा, ये पुल भी बह जाएगा। ये कब तक होगा सर? ये बन रहा है, काम चल रहा है, वो तो शासन स्तर में काम चल रहा है ना। पुल पे चढ़ के देखो ना सर, ये हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, बताए हैं हमें हमारे काम को सर, बताएं। शांति है, कुल मिला के शांति है। चलिए शांति रहनी चाहिए, हालांकि काम अभी लगातार जारी, ऊपर भी पुल में लगातार काम जारी, मशीनें लगी हुई हैं, जिला प्रशासन पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कार्य लगातार जल्द से जल्द संपन्न किया जाए। बहरहाल दो जो व्यक्ति हैं मिले हैं, एक कांग्रेस ही बता रहे हैं, एक भाजपा को बता रहे हैं। हालांकि ये तो खूबसूरती है हमारे देश की, कहीं भी आप खड़े होंगे तो कोई ना कोई नेता आपको मिल ही जाएगा, टकरा जाएगा आपसे नेता। बहरहाल राहत लोगों को बेहद यहाँ पर नज़र आ रही है। कब तक ऊपर का पुल बन पाएगा ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है, कि कब तक ऊपर जो पुल की जो अप्रोच रोड बही थी उसका काम पूर्ण हो पाएगा, ये थोड़ी मुश्किल कहना है। हालांकि उसमें भी जल्दी से कार्य किया जा रहा है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही आपको दिखाना था कि वाकई में लोगों को राहत है, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें सामने आई थी, शाम को पुल का एक हिस्सा, वैकल्पिक मार्ग का एक हिस्सा वो बह गया था, ऐसे में कहने का खतरा सामने आ रहा था। लेकिन फिलहाल सभी प्रकार से कार्य सम्पन्न रूप से चल रहा है, यातायात सुगम है, सुचारू रूप से लोग यहाँ से आ रहे जा रहे, भारी संख्या में छोटे वाहन यहाँ से जा रहे हैं। और तो और हमने यहाँ से 4 पहिया वाहन, कार, 3 पहिया वाहन, ऑटो वगैरह भी जाते हुए देखे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, कुछ भी अपडेट आएगा ज़रूर आपको देंगे। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।